प्रेज द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग। आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम उसमें आनंदित हो जाए और मगन हो जाए। पहला कुरिन्थियों के पत्र तीसरा अध्याय दसवीं आयत। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है। पर हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वो उस पर कैसा रद्दा रखता है। यहाँ पे पौलुस कहते हैं, एज एन एक्सपर्ट बिल्डर आई हैव लेड ए फाउंडेशन ऑन जीसस क्राइस्ट। एक बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान, बुद्धिमान राजमिस्त्री माने जो राजमहल बनाते हैं, पैलेस बनाता है, बहुत ही एक्सपर्ट, साधारण एक मिस्त्री नहीं है, बुद्धिमान राजमिस्त्री, एक्सपर्ट बिल्डर। और एक कौन सी कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करते हैं, उसी अध्याय का 16-17 आयत में लिखा है कि आप जानते हैं कि आप परमेश्वर पवित्र आत्मा का मंदिर है। सो हम पवित्र आत्मा का मंदिर है, हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, लेकिन आप किस प्रकार इस मंदिर को बनाना चाहता है? क्या आप एक बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान, राजमिस्त्री के समान एक मजबूत, एक अच्छा मंदिर पवित्र आत्मा के लिए बनाना चाहते हैं? आंधी आने पर भी, तूफान आने पर भी, संसार की कोई भी दबाव आने पर भी आप स्थिर रहने वाला, मजबूत रहने वाला एक मकान, एक बिल्डिंग, एक इमारत बनाना चाहते हैं, तो परमेश्वर की वचन की आधार पर बनाना पड़ेगा। यीशु मसीह नींव है, उस नींव के ऊपर भविष्यवक्ता प्रेरितों की उस नींव के ऊपर यीशु मसीह जो कोने का पत्थर है और भविष्यवक्ता और प्रेरित लोग है, उसके ऊपर आप परमेश्वर की वचन की आधार पर आपकी आत्मिक जीवन को बनाना पड़ेगा। बुद्धिमान कौन है? बुद्धिमान राजमिस्त्री का बुद्धिमान कौन है? जो यीशु मसीह बोले मेरे वचन को सुनते हैं, इसे करते हैं, वो बुद्धिमान के समान है जो अपना घर को चट्टान पर बनाया है। तो बुद्धिमान घर को चट्टान पर बनाएंगे, मजबूत बनाएंगे, अच्छा नींव फाउंडेशन डालेंगे, बहुत मजबूत तरीके से बनाएंगे ताकि आंधी तूफान बाढ़ भूकंप कुछ भी आए, वो घर स्थिर रहे, आपकी आत्मिक जीवन, आपकी विश्वास के जीवन मजबूत होने पाए, वचन की आधारित होने पाए, यीशु मसीह के ऊपर होने पाए, ताकि दुनिया का कोई भी प्रेशर, दबाव आपको ना गिरा पाए, ठोकर ना देने पाए। परमेश्वर आपको बहुत ऐसी आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, गॉड बी विद यू, शालोम।